राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की बात है, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन जमूरखाणाम निद्रया कलहे नवा। ये भी सौभाग्य है। तांबूल, तांबूल भी सौभाग्य है। पान, अब ये पान साधकों के लिए थोड़ी ये बात बता दें कि ब्रह्मचारी को, विधवा स्त्री को और यति को, सन्यासी को पान वर्जित है। ब्रह्मचारी को, साधु को, विरक्त को और विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। सामर्थ्य होने पर भी नहीं खाना चाहिए। पान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। जब भगवान मोहिनी ने इंद्र को अमृत पान कराया, बहुत ध्यान से सुने, तो इंद्र को थोड़ी त्वरा थी, त्वरा जानते ना, जल्दी हमको मिल जाए अमृत पीने को, तुरंत अंजलि ऐसे की, तो त्वरा में इंद्र का हाथ थोड़ा हिल गया, तो पीने के पहले कुछ अमृत छलक कर उनके हाथ से नीचे आ गया, बूंदे उनकी। जैसी बूंदे नीचे आई तो उससे एक बेल उत्पन्न हो गई, पान तांबूल देवताओं की पूजा में लगता है। बड़ा अच्छा है हमारा पान अमृत से पैदा हुआ है। भोजन के बाद एक वैद्य जी की बताई हुई बात आपको बता रहे हैं। एक वैद्य जी ने कहा, मैं तो भूल गया, तो इंदौर वाले वैद्य जी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नस है जो भोजन के बाद ही थोड़ी देर के लिए खुलती है और वो केवल पान का रस लेने के लिए खुलती है, बाकी बंद रहती वो नस, और वो पान का रस उस समय शरीर में अमृत का काम करता है। पर पान में पर जर्दा फर्दा उठपटांग चीज नहीं, केवल शुद्ध पान, कत्था, चूना, लौंग, इलायची और सुपारी, बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर पान आप भोजन के तुरंत बाद लेवें तो कहते थे बात, पित्त, कफ तीनों प्रकुप्त धातुओं का शमन हो जाता है, खाया हुआ भोजन पच जाता है। और जो चीज आप मने, वो कोई एक नस ऐसी बता रहे थे, नाड़ी जो केवल पान का रस लेने के लिए ही खुलती है बस, और किसी चीज के लिए नहीं खुलती है, वो बहुत स्वास्थ्य में लाभ करती है। इसलिए आपने देखा होगा धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम, नैवेद्य के बाद देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है, भोग के बाद ठाकुर जी को बीरी अर्पित की जाती है। तो अब पान साधु ब्राह्मण, साधु बटुक ब्रह्मचारी इनको नहीं खाना चाहिए, मंगल सौभाग्य शून्य माताओं को नहीं खाना चाहिए। किंतु इसमें हम थोड़ा सा एक शोध सुधार कर देते हैं, पान नहीं खाना चाहिए दुकान पर खड़े होकर, बाजार में खरीद कर, किंतु बरसाने में राधा रानी दर्शन करने गए और श्री जी की बीरी मिल गई, तो नंदगांव में लाला की बीरी मिल गई, तो दाऊ जी में ठाकुर जी की बीरी मिल गई, तो वो पान नहीं है, वह तो श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद है। हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा जगन्नाथ जी की बीरी देते हैं। श्रीनाथ जी तो महाराज सबसे बड़ा बीरा आरोपते हैं, इतना बड़ा बीरा, वो बीरा के भीतर कम से कम 20-25 पत्ता होते पान के हैं, उनका बीरा अलग ही होता है, श्रीनाथ जी वाला बीरा इतना बड़ा। तो प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में हम बांट करके थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन व्यसन रूप में साधु को, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। दुकान पर खड़े होकर के तो कभी नहीं खाना चाहिए कि चाय पियो पान खाओ, ये तो उसमें शोभा नहीं है, इसमें बड़ी विष की निंदा है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण
प्यार।